हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज है अमावस। अमावस को अब मतलब आज मैं जा नहीं रही हूँ मम्मी के, क्योंकि मैं उस दिन जा रही थी क्योंकि वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। वहाँ पे हमारे दादाजी का श्राद्ध था उस दिन भी, तो उस दिन जाके आ गए थे, तो इसलिए फिर आज मैं नहीं जा रही हूँ। और आज अमावस है तो यहाँ पे मैं हम कैसे क्या करते हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको अभी। तो चलते हैं नीचे। तो देखिए, मावस को फिर भोग तो लगा लिया है, तो हम मावस को है ना, ऐसे रोटी बनाते हैं, मतलब फल के, जिसको बोलते हैं फल के बनाते हैं अधिकतर, और खीर बना लेते हैं। और ऐसे मावस को भोग लगाते हैं, वैसे ही लगाते हैं, तो वैसे ही लगाते हैं हम। और मतलब श्राद्ध चल रहे थे तो अभी सबका ही हो गया है मावस के दिन, मतलब फिर अच्छे से लगा देते हैं रंग से। तो पूजा वूजा कर ली है हमने, तो अभी मैं आती हूँ और एक बार फिर से, और अभी मैं जय नहीं करी हूँ वहाँ पे, अब जय करके आती हूँ वहाँ पे। तो देखिए, फिर मैं आज आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, और अभी मैं ये प्याज काट रही हूँ। तो मैं ऐसे नॉर्मली सब्जी बना रही हूँ आलू मटर की, सिंपल जो हम बनाते हैं डली। तो मैं फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, आलू भी मैंने छील लिए हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। और मैंने ये मसाला फ्राई कर लिया है, अब मसाले में डाल दिया है मैंने ये मटर वगैरह, मटर को मैं फ्राई करूँगी। और ये फ्रोजन मटर है, और ये मैंने थोड़े ही डाले हैं क्योंकि आलू की सब्जी है, तो मैं थोड़े मटर और थोड़े से आलू डाल के और फिर बना रही हूँ। और अब मसाला भी डाल दिया है मैंने और पका रही हूँ अब मैं। तो भी मसाले को मैं पका लेती हूँ, और पका के उसके बाद मैं पानी डाल के उसको गर्म करके, और फिर ये बॉईल करे हुए आलू मैं इस तरह से तोड़ के और फिर डाल रही हूँ। तो देखिए, बन के अब रेडी है हमारी सब्जी। और ये बच्चे देखिए इधर क्या कर रहे हैं सब। हर बार गेम खेल करता है। चलता था ज्यादा उसे। तो देखिए, अभी हम जा रहे हैं सामान लेने भवास में, क्योंकि कल नवरात्रा है, कल से नवरात्र शुरू है, तो इस वजह से। और देखिए, अब मतलब अब वो होगा, मतलब दिवाली भी आने वाली है, त्योहार आने वाले हैं, तो बस ऐसे सज जाएगा अब। और सजा हुआ धावास भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब ऐसे ही दिखाते रहते हैं। अब दिवाली पर सजेगा, अब कोरोना भी मतलब इतना नहीं है, चला गया, इतना ज्यादा नहीं है, मतलब बच्चे की स्कूल वगैरह भी खुल गई है, तो ठीक ठाक है सब कुछ, पोजीशन अब बढ़िया है एकदम। तो अब तो सजेगा तो अब तो सजेगा सब बाजार, तो इसलिए आपको बाजार की रौनक दिखाएंगे। और दिवाली पे ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बाजार भी, अब बाजार की रौनक दिवाली को ही देखने को सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है दिवाली पे। मैडम, यहाँ बाजार नहीं है, यहाँ भी बाजार आके आएगा तो वो दिखाएंगे। मतलब अब नवरात्र शुरू हो गए तो त्योहार भी शुरू हो ही गए हैं लगभग, और तो इसीलिए फिर बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होगा आने वाला वीडियो। तो आप जुड़े रहिए मेरे वीडियो से, आप देखते रहिए बढ़िया बढ़िया वीडियो। और अभी हम चल रहे हैं शॉपिंग करने, और मतलब थोड़ा वो सामान तो ले आए हैं पूजा का, बाकी और जो रह गया, जो जैसे याद आ रहा है वो और भी लेके आ रहे हैं अभी। और अभी तो देखो, अभी भी मतलब कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे, तो फिर लेके ही आएंगे।
तो देखिए हमारे पड़ोस भाई अब मतलब थोड़ी सी दूर ही किराना स्टोर खुल चुका है और इन्होंने बस आधे घंटे का रास्ता है, ज्यादा दूर नहीं है। नवरात्र का उद्घाटन किया है, मतलब नवरात्र पे अब कल से ये अब उद्घाटन करेंगे अपने दुकान का। और बहुत ही अच्छी दुकान, मतलब बिल्कुल पूरा नया तैयार करके वापस फिर तैयार करके और फिर ही खोले हैं दुकान को, तो बहुत अच्छी लग रही है। नई नई दुकान और चौकी लग रही है। आसपास बहुत सारे मतलब लोग हैं और मतलब रहने के लिए आ गए हैं मकानों में, जैसे ही बने तो मतलब अब आराम से उनका सामान भी बिक जाएगा। बहुत लोग गए तो खरीदारी करेंगे ये, क्योंकि अर्जेंट हमेशा किसी को कुछ ना कुछ अर्जेंट जरूरत पड़ती है तो पास वाले दुकान से जाके फटाफट ले ही आते हैं लोग बस। तो बहुत अच्छी चलने वाली है उनकी वो दुकान, तो अच्छा ही है, चलनी भी चाहिए क्योंकि जब हम कोई काम लगन से करते हैं तो वो पूरा होना भी चाहिए, अच्छी बात है। और बस कर अब हम दिखाते हैं आपको धावास की रौनक अभी नवरात्रि की। तो देखिए कितना अच्छा चुन्नियों से सज गया है हमारा ये हमारा धावास। तो ये देखिए बिल्कुल पूरा अच्छे से सज गया है धावास नवरात्रि का। तो और अब ये देखिए बैग वगैरह भी बहुत अच्छे से नवरात्रों में सज गए हैं बच्चे से बैग वगैरह, मतलब बैग वगैरह भी बिकने लग गए हैं वापस बच्चों के स्कूल के। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे। और ये कोरोना वोरोना जैसी बीमारी आ जाती है तो दिमाग खराब होने लग जाता है लोग बगों का, दिमाग खाली कर देती है। तो फ्रेंड्स यहीं तक का था हमारा आज का ये वीडियो, और कल से नवरात्र शुरू है तो कल और इंटरेस्टिंग होगा हमारा वीडियो, तो कल और भी इंटरेस्टिंग होगा वीडियो। तो आप जुड़े रहिए वीडियो को, देखते रहिए वीडियो। तो देखिए आज वीडियो की एंडिंग साक्षी करेगी, और साक्षी चलो वीडियो की एंडिंग करो करो करो। हमें बहुत जल्द नींद आ रही है, बाद में लाइक करे शेयर करे बोलो। तो देखिए फ्रेंड्स बच्चों के तमाशे, हमारे तमाशे देखिए ना, पढ़ने के बहाने देखिए अब, क्योंकि इतने दिन मजा कर लिए था, अब इनको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आलस आने लग गया है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे जो अभी इस लॉकडाउन में बस फोन से जुड़ गए हैं, मतलब फोन में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, गेम वगैरह खेलने में ऐसे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं तक का था, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।